कानपुर में छकरकटी बस अड्डे में बसों के चालक व परिचालक को यात्री जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों व मातृशक्ति द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत बस अड्डे पर आने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को समिति की पदाधिकारियों व महिलाओं ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, लेकिन आम जनता की सेवा में लगे रोडवेज बस के कंडक्टर व ड्राइवर को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार पर बसें लेकर आने वाले ड्राइवर कंडक्टर को समिति की महिलाओं ने राखी बांधकर उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। समिति लगातार सामाजिक कार्य कर रही है। यात्री जन कल्याण समिति आज रक्षा बंधन के पर्व पर उन हम तपस्वियों का जो हमारी माताओं बहनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने जा रहे हैं, ऐसे चारक प्रचालक का आज रक्षाबंधन हमारी बहनें बांध करके समिति के उनको इस बात का एहसास कराने जा रही हैं कि रक्षाबंधन पर्व पर यात्री जन कल्याण समिति की महिलाएं भी आपके साथ खड़ी हैं और उनको आज तिलक लगा करके ये कामना देते हैं कि हम सभी लोग आपकी सुरक्षा के लिए इसमें तत्पर रहेंगे और यात्री जन कल्याण समिति यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, इस निमित्त भी हम यात्रियों को उनकी शुभकामना देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/